सभी को राधे श्याम। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं कि जो ग्रह राज सूर्य हैं, तो उनकी महादशा में कैसा फल जातक को प्राप्त होता है। देखिए, सामान्यतः हर ग्रह का एक फल होता है, एक शुभ फल और एक अशुभ फल होता है, परंतु हर ग्रह भिन्न भिन्न राशियों में भिन्न भिन्न फल देते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि के हैं तो अपनी महादशा में अलग फल देंगे, वृष राशि के हैं तो अलग फल देंगे, मिथुन राशि के हैं तो अलग फल देंगे। तो आज हम यही जानेंगे कि श्री सूर्य देव जो हैं वो अलग अलग राशियों में जब उनकी महादशा आती है तो वो कैसा फल प्रदान करते हैं। देखिए, सामान्यतः यदि सूर्य शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रह से युक्त हैं, दृष्ट हैं, उच्च के हैं या अथवा स्वराशि के हैं, तो जब उनकी महादशा आती है तो राजा से सम्मान प्रदान करवाते हैं, व्यापार से आमदनी प्रदान करवाते हैं, विदेश यात्रा की वो योग बनवाते हैं, साथ ही साथ वो राजपद प्रदान कर सकते हैं, राजमंत्री बनवा सकते हैं आपको, और जो मतलब राजा से संबंधित चीज़ें हैं, राजा से सम्मान दिलवाना, राजा से धन लाभ दिलवाना, राजा से कोई उच्च पद दिलवाना, ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करवा सकते हैं। परंतु यदि यही आपके किसी अशुभ ग्रह से, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हों अथवा युक्त हों अथवा वह स्वयं में नीच राशि के हों, तो इसके विपरीत फल प्रदान करते हैं। जैसे राजा से भय, घर में कलह होना, साथ ही साथ नेत्र रोग, हृदय रोग, इन सब रोगों को प्रदान करते हैं। और इसके अलावा श्री सूर्य देव जो आपके सामान्यतः जीवन में नाना प्रकार के अशुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। तो अब हम जानते हैं अलग अलग राशियों में वो कैसा फल देते हैं। सबसे पहली है मेष राशि। तो मेष राशि में सूर्यदेव अच्छा फल नहीं देते हैं। मेष राशि के सूर्य और उनकी महादशा आई तो जातक को धन हानि करा सकते हैं, व्यापार में हानि हो सकती है, नेत्र रोग हो सकते हैं, साथ ही साथ जातक को घर में कलह हो सकता है, जातक के जो प्रिय बांधव जन है उनसे उनका क्लेश हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में जब सूर्य की महादशा है और आपके मेष राशि में सूर्य स्थित है तो आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। वृष राशि में हो तो उसमें आपके जो स्त्री पुत्र हैं उनको कष्ट हो सकता है, और इसके अलावा आपको जो धन हानि होगी, राज सम्मान की हानि होगी, इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। और विशेषतः वृषभ राशि में स्थित होकर के आपको हृदय का रोग ये दे सकते हैं, हृदय और नेत्र से आपको बच के रहना चाहिए। जब मिथुन राशि में श्री सूर्य की महादशा आती है तो मिथुनस्थ सूर्य आपको एक विशेष कला प्रदान कर सकते हैं, शास्त्र में निपुणता प्रदान कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके शास्त्र की निपुणता की वजह से आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपको राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त हो सकता है, धन लाभ हो सकता है। ठीक ऐसे ही कर्क राशि में, कर्क राशि इनके मित्र चंद्रमा की राशि है, इस कारण से कर्क राशि में भी शुभ फल देते हैं, जैसे धन लाभ होना, व्यापार में वृद्धि होना, राजपद प्रदान करना, और इसके साथ ही साथ वो आपको सरकारी नौकरी भी दिलवा सकते हैं। परंतु कर्क राशि के जो सूर्य हैं वो आपको वात जन्य रोग दे सकते हैं, और आपके जो आप जिनसे प्रेम करते हैं, आपके जो प्रियजन हैं, आपके बंधु बांधव जन हैं, उनसे आपको वो वियोग करवा सकते हैं। तो जब सूर्य की महादशा है और आपके कर्क राशि में सूर्य हैं, तो ऐसी अवस्था में आप थोड़ा अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनसे अपने संबंध को आप बचा के रखिए। अब सिंह राशि उनकी स्वराशि है, इस कारण से इसमें अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, वो आपको राजपद प्रदान कर सकते हैं, राज सम्मान दिलवा सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि कराएंगे, तो स्वराशि में अच्छा फल प्रदान करते हैं। जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, कन्या राशि के सूर्य की महादशा आती है तो वो आपको कन्या रत्न की प्राप्ति करवा सकते हैं, धर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ाते हैं। परंतु तुला राशि के सूर्य जो हैं, तुला राशि के सूर्य आपके जीवन में कष्ट ला सकते हैं, आपके स्त्री और पुत्र को कष्ट हो सकता है, नेत्र से संबंधित रोग हो सकता है, और इसके अलावा वो आपको जैसे राजा से भय उत्पन्न हो सकता है, आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा आदि लग सकता है जिसके द्वारा आपको कष्ट प्राप्त हो, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। वृश्चिक राशि में ये शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये इनके मित्र मंगल की राशि है, और मंगल की राशि में होने के कारण ये आपके प्रताप की वृद्धि कराते हैं, परंतु इस काल में आपको विष और अग्नि से बच के रहना चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आपको पीड़ा प्राप्त हो सकती है। जब धनु राशि में आते हैं तो धनु राशि में प्रवेश करने के बाद आपको विद्या की प्राप्ति करवाते हैं ये, साथ ही साथ राजा से आपको विद्या से संबंधित जो पुरस्कार है, सम्मान है, वो प्रदान करवाते हैं,
और जो अन्य शुभ फल है धन लाभ आदि, ये सारी चीजें तो आपको प्रदान करते ही हैं। परंतु मकर और कुंभ, इन दो राशियों में श्री सूर्य देव यदि हैं और उनकी महादशा आ गई तो ये अच्छा फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि की राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं, आपके जो संतान है, आपके पुत्र इत्यादि है, उनसे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, आपके पिता से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। तो इस समय इन चीजों को बचा के आप रखिए। साथ ही साथ हृदय और नेत्र से संबंधित रोगों से आप बच के रहिए। इसके अलावा श्री सूर्य देव जो हैं, वो आपको कोई कलंक भी लगवा सकते हैं अपनी महादशा के काल में, तो इससे आप बच के रहिए। इसके अलावा मकर और कुंभ के समान फल हैं। अब बची मीन राशि, जो आखिरी राशि है। मीन राशि गुरु की राशि है, इस कारण से इसमें नाना प्रकार के ये शुभ फल तो प्रदान करते ही हैं, परंतु इसके साथ ही साथ ये आपको विदेश यात्रा के शुभ जो अवसर है वो प्रदान कर सकते हैं। आपका जो पद है, पदोन्नति आपको करवा सकते हैं। सूर्य की जब महादशा आएगी और वो मीन राशि में है, तो आपको वाहन का लाभ दिलवा सकते हैं, आपको नया वाहन खरीदने का सौभाग्य मिल सकता है। इसके अलावा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और आपको विद्या के माध्यम से धन प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से 12 राशियों में अलग अलग फल प्रदान करते हैं सूर्यदेव। अब ऐसा नहीं कि सूर्य की महादशा आई तो वो शुभ फल ही है अथवा अशुभ फल ही है, अलग अलग राशियों में वो अलग अलग फल प्रदान करते हैं। हाँ, इसके अलावा दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह से युक्त है वो, तो फिर वो और शुभ फल प्रदान करते हैं। परंतु यदि अशुभ ग्रह से दृष्ट हैं, पीड़ित हैं, उनसे युक्त हैं, तो ऐसी अवस्था में वो शुभ हस्त होकर के भी हो सकता है कुछ ना कुछ गलत फल प्रदान कर दे। तो ऐसी अवस्था में आपको जो हमने 12 राशियों में जो जो लक्षण बताए, उन लक्षणों से जब सूर्य की महादशा आए, उनसे आप बच के रहिए और सूर्य देव की उपासना करते रहिए। और सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जो समाधान है, उपाय है, वो यही है कि नित्य प्रातः काल आप सूर्य देव को अर्घ प्रदान करिए। यदि आपके सूर्य देव मेष राशि में होकर के अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आप भगवान विष्णु की उपासना करिए। और यदि वो वृषभ राशि अथवा तुला राशि में रह करके अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो आप भगवान शिव को हर शुक्रवार को दूध चढ़ाइए और उनसे निवेदन करिए। इसके अलावा यदि वो मकर और कुंभ राशि में रह करके अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान शिव को काले तिल से मिश्रित जल चढ़ाइए नित्य और उनसे निवेदन करिए, तो सूर्य देव आपको अवश्य में वो जो उनके कष्ट हैं उनसे आपको शांति प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान शिव से ही सारे ग्रह प्रकट होते हैं और यदि भगवान शिव का ही हम उपासना करते हैं, भगवान शिव से हम अपने कष्टों को कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो सारे के सारे ग्रह शांत रहते हैं।